हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार शानदार जंगों का फ्री कोर्स। ये कोर्स टोटली फ्री होने वाला है। मैं इस कोर्स के एक या दो वीडियो हर रोज़ मेरी यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस कोर्स में टोटली जेंगो के बारे में सिखाने वाला हूँ, तो मैं इसमें HTML, CSS और JavaScript का यूज़ नहीं करूँगा। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके एक बार फिर सुन ले। हम इस वीडियो में पूरा फोकस जेंगो में करने वाले हैं, तो हम सिर्फ जेंगो को ही सीखेंगे। मेरी बात से आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हम अगर HTML CSS का यूज़ नहीं करेंगे तो हम किस तरह से वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं इसमें HTML और CSS का कोड नहीं लिखूँगा, पर उसके बदले हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट की टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। मैं इस टेम्पलेट को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आपको मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो की ये टेम्पलेट है, उसकी लिंक आपको मेरे सारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मैं ये टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड करूँ, मेरे पास तो ये टेम्पलेट नहीं है। चलिए अब मैं इस टेम्पलेट के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। इस टेम्पलेट में हमें कई पेज पहले से ही बनाए हुए मिलते हैं। इसमें हमें होम पेज मिलता है, 404 का पेज मिलता है, कॉन्टैक्ट पेज मिलता है, चेकआउट का एक पेज मिलता है, कार्ट का एक पेज भी मिल जाता है, लॉगिन का पेज भी हमें मिलता है। ई कॉमर्स में जो भी पेज हमें चाहिए वो सारे पेज इस टेम्पलेट में अवेलेबल है। इसमें एक अमेजिंग कराउजल वाला ये स्लाइडर भी है नीचे की ओर। ये एक रो है, रो में दो कॉलम्स है। ये कॉलम में कैटेगरीज है, कैटेगरीज में स्पोर्ट्स मैन, वुमन, किड्स, फैशन, कई सारी यहाँ पर कैटेगरीज है। इस कैटेगरी को हम अपने डेटाबेस से फेच कराएंगे। जब आप कोई न्यू कैटेगरी को ऐड करोगे तो यहाँ पर अपने आप वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर है फीचर्स आइटम, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रही होगी। इस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का इमेज है, प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट का नेम है और नीचे की ओर ऐड टू कार्ट का बटन है। हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि जब आप यहाँ स्पोर्ट्स वेयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स वेयर के सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। मेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे मेंस के प्रोडक्ट आ जाएंगे। किड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर किड्स के प्रोडक्ट आ जाएंगे। अगर आप कोई न्यू कैटेगरी को ऐड करते हो तब भी आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उस कैटेगरी के रिलेटेड आपके सारे पोस्टें यहाँ पर दिखाई देगी। नीचे की ओर यहाँ पर ब्रांड का एक सेक्शन है और यहाँ पर प्राइस रेंज का सेक्शन है। यहाँ से हम प्राइस रेंज को चूज़ कर सकते हैं कि हमें कि 0 से लेके 100 से लेके 399 तक क्या प्रोडक्ट हमें चाहिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी बैनर लगा सकते हैं, आप एड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर रिकमेंडेड आइटम का एक कराउजल भी मिल जाता है। यहाँ पर फूटर है, फूटर में भी कुछ आइटमें हमें दिखाए। फूटर में ये आइटम तो नहीं है पर यहाँ पर ये वीडियोस है, तो हम यहाँ पर वीडियोस भी चला सकते हैं। हम इस वेबसाइट को पूरी डायनेमिकली बनाने वाले हैं। आप जब इस प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड टू कार्ट करोगे तो आप सीधे चले जाओगे अपने कार्ट पेज में। कार्ट पेज में हम आपने जो भी आइटम को चूज़ किया होगा उसकी यहाँ पर एक लिस्ट बन जाएगी, उसकी यहाँ पर प्राइस दिखाई देगी।
आपकी अगर क्वांटिटी 2 है तो ये इसका टोटल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरह की सारी डायनेमिकली चीज़ हम जेंगो से सीखेंगे कि हम किस तरह से ये बना सकते हैं। यहाँ नीचे की ओर आपको सब टोटल मिल जाता है, शिपिंग कोस्ट, इको टैक्स, कार्ड सब टोटल। और ये आप जब चेकआउट पे क्लिक करोगे तो आप ये चेकआउट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा रोजो पे का। वहाँ से हम जब कस्टमर इस चेकआउट यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो उसे यहाँ पर एक मॉडल्स दिखाई देगा, उसमें रोजो पे का मॉडल्स होगा। वहाँ पर यूज़र अपना जो प्रोडक्ट की प्राइस को पे कर सकता है, उसे हम आगे देख लेंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज भी है तो इस कॉन्टैक्ट पेज को भी हम फिक्स करेंगे। जेंगो से हम किस तरह से कॉन्टैक्ट पेज बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस तरह का अमेजिंग टेम्पलेट है ये। इसकी लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर लेना। यहाँ पे एक सर्च भी है, यहाँ पे आप अगर कोई प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो आपको नीचे की ओर वो प्रोडक्ट जो सर्च की थी वो आपको दिखाई देगी। इस तरह की भी हम यहाँ पर फंक्शन जेंगो में लिखने वाले हैं। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना।